वेलकम टू द संजू आर्टवर्क। तो डे वन में आप लोगों ने देखा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस को किस तरह से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने सीख ली और इनका यूज कहाँ होना। तो हम डे टू में सीखने वाले हैं कि इसका आखिर यूज किस तरह से और कहाँ होता है। तो ज़्यादातर यूज आप जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन को यूज करेंगे, तो जैसे आपको किसी स्क्वायर को बनाना है इस तरह से, तो ये हमने तो जो हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो उससे हमें ये मिलेगा कि कैसे वर्क बनाना है, कैसे आयत बनाना है। बिल्कुल सीधी लाइन किस तरह से खींचेगी और कितना एक्यूरेट बनेगा, तो इस तरह से ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये देख, जैसे मान लो ये वर्ग बनाए, वर्ग बना लेते हैं ऐसे, तो यही यूज होता है और इनमें इस तरह से प्रैक्टिस होने पे। और आपको बार बार प्रैक्टिस करने का यही फायदा है कि लाइन आप बिल्कुल एक्यूरेट और सीधी खींचते हैं। और जैसे कुछ लोग गलती करते हैं कि जैसे वर्ग या आयत बनाना है तो एक ही बार में ऐसे 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 बनाते हैं, तो ये खराब हो जाता है अंदर, देखो टेढ़ा या मेढ़ा हो जाता है। तो इस वजह से आपको इस तरह से नहीं करना है, प्रॉपर एक एक लाइन को बिल्कुल बेसिक जैसे मैंने सिखाया था उसमें डे फर्स्ट में, इस तरह से एक एक लाइन को ऐसे बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो जैसे ये लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी रहेगी लाइन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही। ओवरलैप करके भी काम करते हैं लोग, लेकिन ओवरलैप यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरह से ये सब चीज़ें बना सकते हैं आप जो लाइन सीखे हैं। और हमने गोला बनाना सिखाया था, तो गोले का जो है आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो गोला बनाएंगे, और गोले में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे ये हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, तो इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एंगल में। आपको पेपर घुमाना ना पड़े बाकी, क्योंकि जब आप हर एंगल में आर्ट बनाएंगे तो बार बार पेपर को मूवमेंट नहीं करेंगे, इसलिए ये सारे तरीके प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो 100 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार क्लॉकवाइज इसको प्रैक्टिस करो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जैसे प्रैक्टिस करो, ऐसे इसमें भी क्लॉकवाइज एक बार प्रैक्टिस करो, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी प्रैक्टिस करो। तो दोनों तरीके से प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या होगा कि आप हर एंगल में प्रॉपर बना पाएंगे, जिसमें आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी कभी भी किसी भी एंगल में आपको पेंसिल चलाने में। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि 100 100 टाइम्स आप लोग प्रैक्टिस करिए। सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये परफेक्ट होता जाएगा, और आपका हाथ मूवमेंट, हाथ का जो मूवमेंट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होता जाएगा। और हल्के हाथ से ही कोशिश करें, ज़्यादा वो नहीं करें। और जो हमने लाइन का ये सिखाया था तिरछी लाइन, तो उससे हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो इससे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में। कभी आप शेडिंग कर रहे हैं तो शेडिंग के लिए भी ट्रायंगल जो प्रैक्टिस किए हैं तो ये फ़ायदा हो जाएगा आपको। ये ऐसे उल्टे साइड से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से ऐसे, तो ये सब चीज़ें शेडिंग में भी काम आ जाएंगी, वो मैं शेडिंग में बताऊंगा आपको बाद में। तो आप जाए मान लीजिए आपको थोड़ा एंगल में आया ड्रॉ करना है, तो ये हो गया एंगल में। तो ये सब चीज़ें आपको जो प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा परफेक्ट और बिल्कुल 3D आप ड्रॉ कर पाएंगे।
जो आप गोले का प्रैक्टिस किए हैं, तो उससे मान लीजिए जैसे ये बैगन बनाना हो, या कुछ और बनाना हो, तो ये सब चीज़ें आपको वहीं प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस आपका काम आने वाला है। जितनी भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा काम आएगा। ये सब चीज़ें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में, किसी भी सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। कुछ भी आप बना सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से। मान लीजिए भिंडी बनानी हो, बाद में आपको हम बताएंगे फेस में और कहाँ कहाँ इसका यूज होने वाला है, ये सब चीज़ें आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। अब मान लीजिए जैसे आपको बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे यहाँ पे आपको एक साथ सब कुछ मिल जाएगा, ट्रायंगल हो गया, वर्ग हो गया, और ये एंगल भी आपका एंगल, आप मतलब ये सब सारी चीज़ें एक में जुड़ के बनती हैं, जो कि ये बना हमारा हैट, मतलब झोपड़ी, जो कि झोपड़ी बनाने में काम आ जाएगा। अब गोले का यूज कहाँ होना है, तो ये देखिए गोले का यूज हो गया, और एक आयत का यूज कहाँ हो गया, ये एक बार में कभी मत बनाइए, ये लाइन देखिए बन गया, एक यहाँ बना देते हैं आयत बना। अब इसमें शेडिंग, आपने अगर जब ये तिरछी वाली लाइन की प्रैक्टिस की होगी ऐसे, तो यहाँ पे आप हैट की अगर शेडिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे शेडिंग ऊपर से नीचे कर सकते हैं बिल्कुल इजी। मान लीजिए आपने प्रैक्टिस किए नीचे से भी ऊपर, तो नीचे से भी ऊपर कर सकते हैं एकदम। शेडिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग 100 100 टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इसमें स्केचिंग करने में। स्केचिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस, और उसके लिए आप थोड़ा सा बेसिक कोई भी काम करना चालू करेंगे उसके लिए वार्म अप होता है, जैसे वैसे ही ये भी एक वार्म अप है। तो कुछ चीज़ें आप अगर वार्म अप की तरह कर लेंगे, तो आपका जो सेट है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज आपको यही बताऊंगा। तो डे टू में मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि आपको ये सब चीज़ें अभी प्रैक्टिस करिए, बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो इसी के साथ चलते, थैंक यू।